सीजीटी पीजीटी के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका ये थर्ड पार्ट। इस थर्ड पार्ट में हम 10 क्वेश्चन ले रहे हैं, और जो ये 10 क्वेश्चन हैं ये लाइकेन से संबंधित। इन 10 क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, डेलिकेट परफ्यूम इज गॉट फ्रॉम, कोमल सुगंध द्रव्य पाया जाता है, यानी परफ्यूम पाया जाता है। इसमें से 3 जो है लाइकेन के नाम लिखे हैं। जो पहला लाइकेन लिखा है वो लाइबुलेरिया लिखा है, दूसरा लिखा है रैनेलिया लिखा है, जो तीसरा लिखा है वो इबर्निया लिखा है। इसमें से जो 2 लाइकेन ये ऊपर लिखे हैं, इन दोनों से हम परफ्यूम प्राप्त करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें A+B है, ये सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है, ये फेनामिनन ऑफ हेलोटिज्म इज शोड बाई, यानी हेलोटिज्म फेनामिनन क्या है। ये जो लाइकेन होते हैं, ये जो लाइकेन्स होते हैं, इनमें 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट यल्गी है और दूसरा कंपोनेंट फंजाई, ये दोनों साथ साथ एसोसिएट होते हैं। सिम्बियोसिस ऐसे एसोसिएशन को कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। अगर इस प्रकार के एसोसिएशन से कोई ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो थियोफ्रेस्टस साइंटिस्ट हैं, जिनको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, उन्होंने इनका नाम लाइकेन्स रखा। लेकिन अगर ऐसे एसोसिएशन को एक साइंटिस्ट हैं, इन साइंटिस्ट का नाम है क्रॉम्बी, क्रॉम्बी नामक साइंटिस्ट ने ऐसे सिम्बियोटिक एसोसिएशंस को जो एल्गी और फंगस के बीच में पाई जाती है, ऐसे को हेलोटिज्म का। तो हेलोटिज्म किसमें पाया जाता है, लाइकेन, यानी हेलोटिज्म प्रक्रिया लाइकेन में पाई जाती है। तो फेनोमिनन ऑफ हेलोटिज्म इज शोड बाई लाइकेन, लाइकेन हेलोटिज्म को प्रदर्शित करता है। थर्ड क्वेश्चन है, लाइकेन आर बेस्ट इंडिकेटर आर, इंडिकेटर मतलब सूचक, किस चीज़ का अच्छा सूचक है, एयर पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन का, सॉयल पॉल्यूशन का, नॉइज पॉल्यूशन। अगर वाटर में, अगर एयर में SO2 की मात्रा बढ़ जाए तो वहाँ लाइकेन ग्रो नहीं करते। तो अगर SO2 जो है वो एयर में ज़्यादा है, अधिक है, तो वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं करते। जहाँ लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं, क्लियर है, SO2 की क्वांटिटी वहाँ ज़्यादा है, वो एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है एयर पॉल्यूशन, ये राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन है, इन लाइकेन द टर्म एस्कोमाटा रिफर टू, यानी एस्कोमाटा टर्म लाइकेन में 3-4 ऑप्शन में किसको रिफर करता है, एस्कोकार्प को, एस्कियोसोजोन को, एस्कोजीनियस हाइफी को, एस्कस मदर सेल को। ये जो एस्कोकार्प लिखा है, ये लाइकेन की प्रोटीन बॉडी, ये प्रोटीन जो बॉडी बनती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनती है, यानी आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनती है। ये एस्कोमाटा एस्कोकार्प को रिफर करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4 का कैपिटल है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डॉग लाइकेन। अगर किसी ह्यूमन को डॉग काटते हैं तो डिजीज हो जाता है, उस डिजीज को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इस हाइड्रोफोबिया के ट्रीटमेंट के लिए लाइकेन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर 4 लाइकेन तुमको दिए गए हैं, ये बताना है कि किस लाइकेन का यूज करते हैं कुत्ते के काटने पर दवा के रूप में। तो हम इस जिस लाइकेन का उपयोग करते हैं, पेल्टीजेरा कैनाइना है, इसलिए इसका 4th ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन ये सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, परमेलिया लाइकेन बिलोंग टू, जो लाइकेन होते हैं उनके जो थैलस होते हैं वो बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वो 3 प्रकार के होते हैं, जिनको हम फ्रूटी कोच कहते हैं या फ्रूटीसीज कहते हैं, जिनको हम क्रस्टोज कहते हैं, जिनको हम फोलियोज कहते हैं। लीवर वर्ट लाइकेन में यूज नहीं करते। तो यहाँ पर 3 वराइटीज, एक फ्रूटी कोच, क्रस्टोज और फोलियोज, ये लाइकेन के थैलस हैं। अब पूछा गया परमेलिया लाइकेन इसमें से किस प्रकार के थैलस का है, तो जो परमेलिया लाइकेन है उसके थैलस का स्ट्रक्चर फोलियोज प्रकार का है, पत्ती जैसा चपटा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, सिफाइली इन द लाइकेन आर एनालॉगस टू, सिफाइली, ये जो सिफाइली है
सिफेल है, ये स्पेसिफिक टाइप स्ट्रक्चर है लाइकेन के बॉडी में। ये किसके एनालॉगस है, स्टोमेटा के, पायलीसेट टिश्यू के, कि मीसोफिल के, कि बंडल सीथ के? ये स्टोमेटा पोरानली, सिफेल पोरान लाइकेन सरफेस, बोथ आर एनालॉगस टू इच अदर, स्टोमेटा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। रेंडियर मासिस एक कॉमन नेम है लाइकेन का, लाइकेन का कॉमन नेम। पहला ऑप्शन ही लिखा है लाइकेन, इसलिए हम पहले ऑप्शन पर चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इंडिकेटर? अभी हमने इसके पहले तुमको समझाया है कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी एयर में बढ़ेगी तो वहाँ लाइकेन नहीं उगे, तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी SO2 क्वांटिटी एयर में मैक्सिमम है तो लाइकेन की डेथ हो जाएगी। इसका मतलब लाइकेन इस सल्फर डाइऑक्साइड के अच्छे इंडिकेटर हैं इन्वायरमेंट में, तो हम चले जाएंगे लाइकेन पर। ऑप्शन नंबर 10, लिटमस इज नेचुरल डाइज ऑब्टेन फ्रॉम, यहाँ लिटमस वर्ड आया है। अब ये लिटमस क्या है? वो लिटमस वास्तव में नेचुरल पिगमेंट है, नेचुरल पिगमेंट है। ये नेचुरल जो पिगमेंट है एक लाइकेन से प्राप्त होता है, जिस लाइकेन से प्राप्त होता है उसे रोसेला कहते हैं। यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, अलगी फंजाई लाइकेन मासे, अलगी फंजाई लाइकेन मासे, लाइकेन पर जाओगे। स्पीकर आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 10 क्वेश्चन का। इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट सीरीज में फिर मिलते हैं।